हेलो एवरीवन, अगर आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कुछ ही सेकंड्स में निकाल लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फिर आज की ट्रिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मेरे पास में नंबर है 96, जिसका हमें स्क्वायर निकालना है। और आप देखना, अभी कुछ ही सेकंड्स में हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 96 100 से कितना कम है? 4 कम है, इसलिए माइनस लगा देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब इस 4 को हम 96 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? 92। अब हमारा आंसर क्या हो गया? 9216। और ये हमारा आंसर हो गया। देखा आपने, कुछ ही सेकंड्स में हमने कैसे इसका आंसर निकाल लिया विदाउट मल्टीप्लाई करे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमने 100 से ही क्यों सब्ट्रैक्ट किया। हमने 100 से इसलिए सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि ये 100 के पास है, 96 100 के पास है, तो इसलिए हमने 100 से सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे आप एक और बात ध्यान रखिएगा कि 100 में कितने जीरोज होते हैं? 2 जीरोज हैं। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट ही आएगी। अगर 1000 होता हमारे पास में तो 3 डिजिट आती। ओके, तो चलिए देखिए, इसका तो आंसर हमने कितने इजिली निकाल लिया। अब इसको भी देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए, 100 से 99 कितना कम है? 1 कम है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1। बट याद रखिए, हमने 100 लिया है बेस में, तो 2 जीरोज हैं, तो 2 डिजिट आनी चाहिए, तो हम यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे तो 2 डिजिट हो गई। अब इसके बाद हम इस 1 को 99 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 98। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 9801। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 100 से ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिए, ये 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो कितना आएगा? प्लस 12। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कितना होता है? 144, राइट? अब हमारा बेस क्या है? 100 है, राइट? तो 2 ही डिजिट आनी चाहिए, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिजिट आ रही है जो कि अब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अब पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब इसमें कितना ऐड करेंगे? 12 ऐड करेंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ज्यादा है, तो 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा? 124। तो यहाँ पे देखिए, ये 1 क्या है? एक्स्ट्रा है, तो ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा? 125 इधर आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा? 44। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, कितने सिंपल स्टेप्स में हमने इसे निकाल लिया। नहीं तो अभी आप पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसके बाद आंसर निकालते हैं। तो चलिए, बड़े नंबर को भी हम इतने ही इजीली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने लिया है 998, जिसका हमें स्क्वायर निकालना है। आप देखिए, 998 किसके पास में है? 1000 के पास में है, तो हम 1000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1000 से कितना कम है? ये 2 कम है। उसके बाद हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। बट यहाँ पे कितनी जीरोज है? 3 जीरोज है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए? 3 होने चाहिए, तो 1 2, तो ये 3 डिजिट हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसमें से -2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 998 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास में कितना बचेगा? 996। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, इतने बड़े नंबर का भी हमने कितनी जल्दी स्क्वायर निकाल लिया। तो चलिए अब इससे भी बड़ा नंबर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास में? नंबर है 9992। तो इसके लिए ये किसके पास में है? ये होगा 10000 के पास में, राइट? तो अब इसको 10000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा? 64। बट हमारे पास में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 4 जीरोज है, तो 4 डिजिट, तो यहाँ पे 2 जीरोज और लगा देंगे हम, और उसके बाद इसमें से -8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा? 9984। और देखिए, हमारा आंसर निकल गया है और ये हमारा आंसर है। तो देखा आपने, कितनी जल्दी हमने कर लिया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग साथ में करेंगे, तो आप भी इसको करिए। इसको किसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें? 1000 में से करेंगे तो कितना बचेगा? 8। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। बट 1000 है तो 3 डिजिट्स, तो 0 लगा दिया। उसके बाद इसमें से -8 कर देंगे, -8 करेंगे तो कितना बचेगा? 984। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, कितनी इजीली हमने इनके स्क्वायर्स निकाल लिए। बट ये तो हुए कि 100,000 इनके पास नंबर है, बट अगर हम लोग को स्क्वायर निकालना है 59, 49, तो उसका कैसे निकालेंगे? तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, अगर हमें 59 का स्क्वायर निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? 59 किस नंबर के पास में है? 60, राइट? तो हम यहाँ पे 60 बेस लेंगे, और 60 में से 59 कितना कम है?
वन कम है तो माइनस वन, और इसका स्क्वायर कितना होगा वन। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, सिर्फ वन है तो यहाँ पे वन ही डिजिट आएगी। तो अब 59 में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 58। बट रुके, ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारे पास में एक और डिजिट है 6, क्योंकि हमने बेस क्या लिया है 60 लिया है, तो हमें क्या करना होगा, हमें 58 में 6 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 6 48, तो 8 यहाँ पे आ गया, 4 कैरी फॉरवर्ड, 6 5 30 और 30 + 4 34, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3481। तो ये हमारा आंसर होगा। पहले वाले ट्रिक में हम क्या कर रहे थे, हम बेस में ले रहे थे 100,000, राइट। तो नंबर ऑफ जीरोस हम यहाँ काउंट करके यहाँ पे डिजिट उसके अकॉर्डिंग लिखते थे, और ये जो वन आता था बेसिकली हम वन से मल्टीप्लाई करते थे। बट वन से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा, तो इसीलिए हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट यहाँ पे देखिए वन के अलावा नंबर है हमारे पास में, मीन्स 6 7 8 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये बहुत ईजिली आपको आ जाएगा, ये 41 किसके पास में है, 40 के पास में, तो ये कितना ज्यादा होगा 40 से, ये 1 ज्यादा है, और उसके बाद हम 1 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 सिर्फ एक ही है तो 1 ही आएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे क्योंकि ये 1 ज्यादा है, तो 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 42, और यहाँ पे 4 है तो हमें यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 168, और तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1681। तो ये हमारा आंसर है। अब देखिए चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 775 किसके पास में, 800 के, तो यहाँ पे हम बेस क्या लेंगे 800, और 800 से ये कितना कम है 25 कम है, इसलिए माइनस, और उसके बाद हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करने पे कितना आएगा 625। जिस नंबर के एंड में 5 रहता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसकी भी ट्रिक मैंने पहले की वीडियो में बताई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब देखिए इसमें से हम 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 25 को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास में कितना आएगा 750, राइट। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 ही जीरो है, राइट। तो ये जो है यहाँ पे 2 ही डिजिट आएगी, तो 6 क्या होगा कैरी फॉरवर्ड होगा, बट कैरी फॉरवर्ड कब होगा, पहले हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, 8 5 = 44, यहाँ पर बचेगा कैरी फॉरवर्ड, 8 7 = 56, 56 + 4 = 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, और ये 6 क्या होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 6 ऐड करने के बाद हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका स्क्वायर निकालिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बहुत इजी है, आप बहुत इजीली निकाल पाएंगे। तो देखा आपने हमने कितने इजीली इन नंबर्स का स्क्वायर निकाल लिया है, और इसी तरीके से आप कुछ ही सेकंड्स में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोग के लिए ये वीडियो यूजफुल रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। तो याद से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।